और देखिए, उत्तर प्रदेश का सियासी बैटल योगी वर्सेस अखिलेश में तब्दील हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और जुबानी तीर से एक दूसरे को सीधे जवाब दे रहे हैं। वार पलटवार में तंज और तल्ख तेवर हर दिन के साथ नई ऊंचाई छू रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है। परिवारवाद पर सीएम योगी ने आज टॉप गियर में बुलडोजर चलाया, जिसकी गूंज यूपी की सियासत में गूंजने लगी है। ये बयान योगी वर्सेस अखिलेश सीरीज के नए सियासी एपिसोड के रूप में रिलीज हुआ है। सीएम योगी ने भले ही सीधे नाम ना लिया हो, लेकिन उनके इस बयान के मायने अखिलेश यादव से जोड़कर देखे जा रहे हैं। सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है। दिमाग भी वरासत में नहीं मिलता है। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपोती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है। योगी ने अखिलेश पर यह जुबानी तीर अंबेडकर नगर से ताने, लेकिन दोनों के इस सियासी क्लेश का ताजा एपिसेंटर है सुल्तानपुर, जहां 3 दिन पहले यूपी पुलिस ने 2 करोड़ की डकैती के आरोप में मंगेश यादव का एनकाउंटर किया। विपक्ष इस एनकाउंटर पर योगी सरकार को काउंटर कर रहा है। सीएम योगी ने पहली बार इस मुद्दे पर खुलकर बोलते हुए समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। आप मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे, ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था। आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था, पूछना चाहिए। मारे गए आरोपी मंगेश यादव की जाति में यादव को हाईलाइट करते हुए समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बना दिया। आरोप लगाया है कि बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक हर जगह योगी सरकार जाति देखकर एक्शन ले रही है। फर्जी एनकाउंटर करके अपनी पीठ ठोंक रहे हैं, जबकि एक जाति विशेष के लोग एनकाउंटर कर रहे हैं और अन्य जातियों का कर रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव भी अपने चचेरे भाई के आरोपों को दोहरा चुके हैं। एनकाउंटर हो या बुलडोजर, अखिलेश सीधे सीधे सीएम योगी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश के सियासी वार को हथियार बनाकर योगी निशाना समाजवादी पार्टी पर ही दाग रहे हैं। सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन अगर कोई कानून को ठेका दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी, और इसके लिए किसी भी हद तक जा करके उसके दुस्साहस का जवाब देगी। योगी विकास के साथ साथ सख्त लॉ एंड ऑर्डर का संदेश दे रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में अखिलेश का दांव भारी पड़ गया था, लिहाजा जाति की सड़क पर सवार साइकिल को योगी विकास और कानून व्यवस्था के बुलडोजर से रौंदने की तैयारी में। साख का सवाल बन चुकी उपचुनाव की 10 सीटों को 2027 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, इसलिए योगी खुद अयोध्या से लेकर करहल और फूलपुर की सीटों पर खुद हाजिरी लगा रहे हैं। इन चुनावों में जो बढ़त बनाएगा उसे 27 में मनोवैज्ञानिक फायदा होगा, क्योंकि तब भी जंग योगी वर्सेस अखिलेश की ही होगी, यानी योगी और अखिलेश की जुबानी जंग अभी और तेज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।